हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, क्रोध में यानी गुस्से में, एंगर में आदमी जो सेंटेंसेस बोलता है, जो उसके जबान से बातें निकलती है, उसको आज हम सीखेंगे इंग्लिश में बोलना। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आपने भी गुस्से में बहुत कुछ कहा होगा किसी और को, लोगों को, अपनों को। जब आदमी गुस्से में होता है तो पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, होश नहीं होता है। उन सारी बातों को जो एक आदमी गुस्से में होने पर बोलता है, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वही सीखेंगे अभी। सो शुरू करते हैं। बक बक मत करो, डोंट टॉक रॉट, या डोंट टॉक नॉनसेंस। बाहर चले जाओ, गेट आउट, या बी ऑफ। अपना रास्ता नापो, गो ऑन योर ओन वे। मूर्ख कहीं के, यू इडियट। यू ब्लडी, मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स, या डोंट मेडल इन माय अफेयर्स। चुप रहो, शट अप। होल्ड योर टंग, अपनी राह देखो, गो योर ओन वे। एक शब्द भी मत बोलो, डोंट अटर अ वर्ड, या डोंट ब्रीथ अनदर वर्ड। अपनी चिंता करो, माइंड योर ओन बिजनेस। तो क्या, सो व्हाट। हल्ला क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू शाउटिंग। पागल हो गए हो क्या, हैव यू गोन ऑफ योर हेड। होश में हो या नहीं, आर यू इन योर सेंस। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू। तुम ऐसा कैसे कहते हो, हाउ ऑन अर्थ डू यू से। तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट द डेविल डू यू मीन। बस मौका तो आने दो, यू जस्ट वेट। तुझे मजा चखा दूंगा, आई विल टीच यू अ लेसन। चले जा यहां से, गो फ्रॉम हियर। चूल्हे में जाओ, या भाण में जाओ। गो टू द डॉग्स, या गो टू द हेल। तो फ्रेंड्स, ये अगर हम गुस्से में होते हैं तो किसी और को बोले जाने वाली ये बातें हैं, जैसे हम गुस्से में होने पर क्या क्या बोल सकते हैं। बट अब हम वैसी बातों को बोलेंगे इंग्लिश में जो किसी और के लिए बोला जा रहा है, जैसे वो बहुत गुस्से में है, देखो उसकी आंखें लाल हो गई है, इस तरह की बातों को हम अब इंग्लिश में बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, वह क्रोध में है, ही इज एंग्री। ही इज इन अ बैड टेम्पर, ही इज आउट ऑफ टेम्पर, या ही इज फिल्ड विथ एंगर। वह क्रोधित हो गया, ही बिकेम एंग्री, या ही गॉट एंग्री। क्रोध से उसकी आंखें चमक उठी, हिज आईज फ्लैश्ड फायर, या हिज एंगर फ्लैश्ड आउट। क्रोध से उसका चेहरा लाल हो उठा, हिज फेस फ्लेम्ड स्टिल रेडर। हिज फेस वॉज अब्लेज विथ एंगर, हिज फेस फ्लेम्ड विथ एंगर। हम तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। वह क्रोध से फट रहा है, ही इज बस्टिंग विथ एंगर। वह क्रोध से थरथरा रहा है, ही इज ट्रेम्बलिंग विथ एंगर। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई हैं, हीज आईज आर फुल ऑफ फायर। उसका दिल क्रोध से भरा हुआ है, हीज हार्ट इज फिल्ड विथ एंगर। वह क्रोध से आग बबूला हो रहा है, ही इज बॉइलिंग ओवर विथ
रेग। वह आंखें लाल पीली कर रहा है, ही इज रैगिंग एंड फर्मिंग, या ही इज फ्रॉनिंग एंड ग्रोलिंग। वह तुरंत क्रोधित हो जाता है, ही हैज अ ब्रिटल टेम्पर। तो देखा दोस्तों आपने, जब हम क्रोध में होते हैं तो क्या क्या बातें हम किसी और को बोल सकते हैं या बोलते हैं, उसका इंग्लिश आपने देखा। और जब कोई और क्रोध में होता है तो उसके साथ क्या क्या एक्शन हो रहा होता है, एक्टिविटीज उसके बॉडी के साथ, उसके आंखों के साथ, वो किस तरह से हम उसके बारे में बोल सकते हैं, वो भी आपने इंग्लिश में देख लिया। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप और क्या क्या सीखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वीडियो को वैसे लोगों तक ज़रूर शेयर किया कीजिए जिन्हें इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप घर बैठे मुफ्त में इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना नहीं आता है और आप लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पर ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और ऊपर से जो तीसरे नंबर पर है, जहाँ पर लिखा है इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। सारे वीडियोज आ जाएंगे, यहाँ पर 7 वीडियो हैं। इन 7 वीडियोज़ को देखने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पढ़ना ज़रूर आ जाएगा।